Hey guys, what's up? Tarun Bedi this side. Welcome back to another video. आज यार मैं और मेरी फैमिली आए हैं मूथल की साइड रेशम दा ढाबा. और काफी नाम सुना था रेशम दा ढाबा का और मैंने नहीं सुना था मतलब इतना, बट हाँ मेरे को पापा ने बताया कि यार दादा दादी कोई जगह है उथे, मतलब यू नो कहता ट्रेन दे उत्ते रख के खाना सर्व हुंदा है, तो यार तरुण आपा चलना है, ऐसे बताया मेरे को पापा ने. तो मैंने कहा यार श्योर वीकेंड है, चलते हैं, सब फ्री है ना, और ड्राइव भी हो जाएगी अपनी, तो गाना भी चल जाएगा ना, गाड़ी बुला रही है. छोड़ो यार, ठीक है गाइस सीधा अंदर चलते हैं. मैं एक बार आपको बाहर का दिखाता हूँ थोड़ा बोर्ड वगैरह, देन अंदर चलते हैं और देखते हैं यार इतना यूनिक क्या है इस जगह में. लेट्स गो. सो गाइस ये देखो बाहर का सीन कुछ ऐसा है भाई, बहुत बढ़िया वाइब हो रखी है, वहां से अपना सनसेट भी दिख जाएगा. और ये देख लो बाहर कन्फेक्शनरी वगैरह की शॉप्स हैं आपकी. शाम को और ज्यादा अच्छा माहौल हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा तेज भूख लग रही है, तो जल्दी से हम सब अंदर चलते हैं. डांस कर लो. सो अभी यार मम्मा ने गोलगप्पे ऑर्डर करे हैं एज ए स्टार्टर, उसमें भी गोलगप्पे का स्टार्टर हो गया. वहाँ पे बर्थडे भी बन रहा है, हैप्पी बर्थडे हो रहा है वहाँ पे. गली में रोज बंदा आता था, मैं रोज लेता होता था. नवरात्रि के पैसे इकट्ठे, कंजका वगैरह के पैसे इकट्ठे करके. तो अभी हम लोगों ने आते ही अभी सेटिंग वगैरह कर लिया और मम्मा ने कहा पहले गोलगप्पे ऑर्डर कर लेते, काइंड ऑफ स्टार्टर्स भी हो जाएगा हमारा, प्लस गोलगप्पे का गोलगप्पे भी हो जाएगा, क्योंकि मम्मा बीइंग अ विमेन है ना, गोलगप्पे कैसे छोड़ सकती है. बट नहीं, मैरिज के पहले था हमको इतना ज्यादा नहीं, इसके पापा को खट्टे मीठे का बहुत है, हमारे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है. तरुण वही तो बोल रहे हैं कंपटीशन कर लो मम्मा, मैं आपको यहीं से शिमला ले जाऊंगा. मैंने कहा मम्मा अगर आपने 20 गोलगप्पे खा लिए ना तो मैं आपको यहाँ से शिमला ले जाऊंगा. नहीं मैक्सिमम 3-4. अभी जीटी करनाल रोड ही है, हम यहीं से निकल जाएंगे चंडीगढ़ से होते हुए शिमला. हाँ जी सही थे गोलगप्पे, मजा आ गया. अमृतसर से खाते ही लास्ट 5 कप पानी, अमृतसर से पानी मिलता है, इतने 7-8 पानी है सुपर. आप बताओ मैम आपको तो अच्छे नहीं लगे ना, हमको तो वो डाल के देते, हमने दो ही खाए बोलो, क्योंकि गोलगप्पे का ना गोलगप्पों में ना सेल्फ सर्विस है, उसमें मतलब आपको खुद ही ऐसे ऐसे करके आलू खुद ही भरने हैं, देन पानी खुद ही डालना है, ऐसे नहीं कि कोई आपको देता जाएगा और आपको खाना है. तो इसलिए मम्मा को अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम ढंग से डाल भी नहीं पाए, और हमने इतनी छोटी छोटी उसमें कोलियों में आए थे आलू, तो हमने आधे गिरा भी दिए. मैनेजेबल नहीं थे बस ये, वो जो वहाँ खाते हैं उन लोगों से वो अलग बात होती है ना. तो नेक्स्ट भाई काफ़ी सुना है कि यहाँ के ना मोहितोज इनकी स्पेशलिटी है ना, बहुत ही हुक्के टाइप्स वाले ग्लास में ये मोहितो देते हैं, तो वही मंगाई है 4 मोहितोज और साथ में पास्ता वगैरह, वो भी आते हैं देन आपको दिखाते हैं. बाकी इनकी ट्रेन ख़राब हो चुकी है भाई, ट्रेन धक्के मार मार के चल रही है भाई. आज खाना हमारा ट्रेन से आएगा, सोचो लेट तो नहीं हो जाएगा. इस ट्रेन की खासियत ये है कि जितना मर्जी आंधी आ जाए, अंधेरी आ जाए, बारिश हो जाए, ये ट्रेन लेट नहीं होगी, कभी लेट, हमारा खाना आ रहा है. चलो बढ़िया, आ गई अपनी मोहितो, चेक करो भाई कितने यूनिक तरीके से ये सर्व कर रहे हैं, पाते हैं बंदे. ये कपड़े लो भाई, अपनी आ गई ट्रेन, बिल्कुल लेट नहीं हुई. कपड़े तो नहीं प्रेस करने तो अभी तक अगर मैं सिर्फ सर्विंग की बात करूं तो 10 out of 10 है भाई. सर्विंग, प्रेजेंटेशन, यूनिकनेस, सब कुछ ऑन पॉइंट है और काफ़ी अच्छा एम्बियंस फील हो रहा है. सो यस, अब बाकी आपको खाना खा के खाने का रिव्यू देंगे. सही है मोहितो, सही है आपी? बहुत बढ़िया, हुक्का की फीलिंग आ रही है. एक और आ गई भाई अपनी, बैक टू बैक मोहितोज हैं, 1, 2, 3, ये अपनी चौथी आ गई. तो यहाँ की मोहितोज ऐसे आ रही हैं जैसे कि हम दिल्ली के क्लब्स में जाके दारू की बोतल नहीं मंगाते, तो भाई बढ़िया उसको लेके आते हैं, वैसी वाइब आ रही है. तो गाइस सेकंड राउंड ऑफ फूड, परी परी फ्राइज, ये अपना स्टफ्ड मशरूम टिक्का, और ये है अपना स्प्रिंग रोल. लेट्स गो. इसने वो पैरी वाले मंगा लिए खाने का.
लो भाई पराठों का पराठा मंगा लिया हमने महाराज। चेक करो बाबे चेक करो मम्मा को तो देख के चक्कर आ गए। लो भी कारगल अकेला खा लेगा चैंप तो सारा। कितना ये तो एक होता है पराठे का बाप, ये तो पराठे का दादा है। बाहुबली पराठा। पपी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि इस पराठे को पैक करा के घर ले जाते हैं, मम्मा को हफ्ते रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। वो वैसे भी कौन सा बनाती जल्दी की और कहीं और से खाते हैं ना। नहीं भाई अब इतना बड़ा पराठा हम खाएंगे कैसे सारे मिलके। हम माफी मांग रहे हैं तरुण से, आपने क्यों बदला ले लिया हमसे? लास्ट टाइम हमने पराठा क्या मंगा लिया गोभी का एंड में, तो तरुण ने इसलिए कि मम्मा पेट भर के पराठा ही। तो भाई अब मम्मा ने मंगा लिया है पाव भाजी, स्पाइसी पाव भाजी है मम। डोसे में बहुत मिर्ची है, पापा खाएंगे डोसा, मम्मा ने छोड़ दिया। और छड़ी चीज मम्मी बढ़ा देती, मम्मा करी याद करी या तो ही खाओगी घर घर की कहानी है। पिस्ता बनता ही है और बड़ी चाय लगा है और लेमन तीन बार छील लिया ऐसे लेमन कोल्ड लगा। सो भाई डेजर्ट की बारी हो गई। डेजर्ट में मम्मा अपने मंगाया है कुल्फी फालूदा एंड चैंप ने मंगाए हैं डोनट्स। आपने कुछ नहीं, मैं फुल हो गया, मैंने कुछ डेजर्ट वगैरह कुछ नहीं मंगाया ना, मेरा कुछ खाने का मन कर रहा है अब, सीधा बस घर जाऊंगा और सो जाऊंगा। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर, अब वापसी घर जा रहे हैं एंड अब आप लोगों को देंगे हम थोड़ा सा रिव्यू, स्टार्ट करेंगे मम्मा से। हमारी तो बस हो गई, मजा आ गया फुल डे, बस ठीक है। बस ना खाना थोड़ा स्पाइसी साइड में था, हमको इतना मजा नहीं आया, लेकिन ठीक है हम फुल हैं अब, थक गए बहुत ज्यादा बस। घर जाके कुछ नहीं बनाओगे? घर जाके आपकी न्यूट्री है उसके साथ आप फुल के खा लेना, हमारी तो बस हो गई, हम बहुत हैवी हैं। और आप क्या? नहीं पापा 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 क्या रहे? पापा आपको क्या, आप क्या रिव्यू देना चाहोगे? ठीक था, खाना खुना सब बढ़िया ही, फर्स्ट क्लास ही। पराठा देख के मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया कि मैं कैसे खाऊंगा। एक तो था कि पराठे का प्यो वो पराठे का दादा सी, लेकिन अच्छा सी, फिर भी खान तो बाद ही काफी बच गया, वधिया खाने वालों वधिया पैसा वसूल। और ट्रेन का एक MBS है जो ट्रेन से गाड़ी बुला रही है, ट्रेन में खाना आ रहा है, तो अच्छी चीज है, वो भी एक एक्सपीरियंस है। चैंप मेरा तो देखो मतलब वो सब अच्छा नहीं लगा, ठीक था गुड था, बट मेरे को डोनट एंड का अच्छा लगा बस, उसको वैसे क्योंकि उसको उसको खाना उतना मीठे का मारू है चैंप, और खाना इतना ज्यादा आप लोगों को पता है बच्चे कहाँ का। और मैं अपनी बताऊं तो यार मेरे को सारा कुछ बढ़िया लगा, मैं थोड़ा सा पहले ही फुल हो गया था क्योंकि मेरे लिए भाई ये सब चीजें बहुत अब कॉमन हो रखी हैं, तो मैं इतना ज्यादा हर जगह नहीं खा पाता, थोड़ा थोड़ा मैं सब खा लेता हूँ एंड मैं जल्दी फुल हो जाता हूँ। तो बाकी मेरे तरफ से यस इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस इफ यू आर गोइंग बाय GT करनाल रोड, या फिर एक अगर आप दिल्ली से हैं तो अगर एक आप लोग वीकेंड आउटिंग जाते हैं अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ भी, तो आप लोगों को जरूर यहाँ आना चाहिए, एक एक्सपीरियंस अच्छा है। दूसरा आपका हाँ रश बहुत ज्यादा था, शाम के टाइम बहुत ज्यादा रश हो जाता था, आई वुड से कि अगर आप आ रहे हैं तो यार सुबह के टाइम आ जाओ, दोपहर के टाइम आ जाओ, दैट वुड बी गुड। नहीं तो भाई हल्ला बहुत है क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाते हैं, वेटिंग पे टेबल्स हैं एंड बच्चे वगैरह के साथ सब आ जाते हैं फैमिलीज, तो फिर शोर मच जाता है। ठीक है एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।